नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पीएम मोदी का धन्यवाद, हमारे रिश्ते लगातार हो रहे मजबूत। भारत दौरे से पहले बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज। अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर वार, बोले शिवसेना मामले में सच्चाई की जीत हुई, यूपीए पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार पर गिरिराज सिंह का तंज, बोले वो कभी अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए। बीबीसी पर आयकर सर्वे मामले में भड़के तेजस्वी यादव, बोले भारत को नाथूराम गोडसे का देश बनाना चाहती है बीजेपी। सीएम नीतीश कुमार का कांग्रेस को ऑफर, कहा साथ लड़े चुनाव बीजेपी जाएगी 100 सीटों से नीचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर कसा तंज, बोली ममता सरकार ने शिक्षा को अशिक्षा में बदल दिया, तोलाबाजी और कट मनिहावी में। टीएमसी नेता ने कहा एनपीपी यूडीपी ने जनता को बेवकूफ बनाया, सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल। बीजेपी विधायक जगनारायण मिश्रा का दावा, कहा नवदास की हत्या के मास्टरमाइंड का होगा पर्दाफाश। देवेंद्र फडणवीस का राहुल पर वॉर, कांग्रेस के समय नहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शासन में राहुल ने कश्मीर में फहराया तिरंगा। संजय राउत का भाजपा पर साधा निशाना, बोले हमारा धनुष बार चोरी हो गया, पार्टी पर डाका डाला, चोर को पकड़ना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा बीजेपी समाज को रेडकल कर रही है और कांग्रेस चुप है। कॉलेजियम सिस्टम एक संपूर्ण मॉडल, पुरुष सीजीआई ललित, बोले जजों की नियुक्ति के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। पार्टी और निशान छिन्ने पर उद्धव, बोले अब जंग शुरू, शिंदे पर तंज, चोर तीर कमान लेकर आए, हम मशाल लेकर मुकाबला करेंगे। महाशिवरात्रि पर दलितों को मंदिर में घुसने से रोका दलित, बोले हम पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रभावित, पुलिस के दखल के बाद की पूजा। महाशिवरात्रि के मौके पर ओडिशा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के ऊपर लगाया गया था महादीप, जस में डूबते दिखे श्रद्धालु। अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, बोले भाजपा राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित। भाजपा की जीत का रोड मैप तैयार करेंगे नड्डा और 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा में बनाएंगे रणनीति। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान के नाम पर 72 प्लॉट फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉटमेंट। हिमाचल के नए गवर्नर बने शिव प्रताप शुक्ला, संस्कृति मिली शपथ, बोले सादा जीवन जीना पसंद, हवाई सफर कम करूंगा। प्रयागराज में इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा पर कसा तंज, बोले बीजेपी ने राहुल की छवि खराब करने में करोड़ों रुपए खर्च किए।
पर्यावरण संरक्षण के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का आह्वान, स्वयंसेवक चलाए गए एक वृक्ष राष्ट्र के नाम का अभियान। भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वीकार किया आमंत्रण। कासगंज जेल में अंसारी को सता रहा है माफिया कंटू का डर, दोनों में हो चुकी है गैंगवार, जेल बदलने की मांग। अनिल वारसी ने दिया फिर विवादित बयान, कहा मेरे पार्टी के सांसद के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। ब्रज की अनोखी होली, हुरियारे पहनते हैं बंगल बंदी लहंगा, हुरियारिन पहनती हैं लहंगा फरिया। लखनऊ में फ्लाईओवर से गिरी बुलेरो, तीन की मौत। अयोध्या से शादी समारोह से लौट रहे थे, रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट नीचे गिरी। पति की हत्या कर रात भर लाश के साथ सोई पत्नी, बोली बेटी से रेप करना चाहता था इसलिए मार दिया। बुलेरों की टक्कर, गन्ने से टक्कर में दूल्हा पिता समेत 5 की मौत। लड़की की मां का दर्द, ये जेवर और लाल जोड़ा उतार दे बेटी। नहीं मिले गंगा में डूबे एमबीबीएस के 3 छात्र, रात भर चला सर्च ऑपरेशन, 1 किलोमीटर तक बहकर जाने की आशंका जताई जा रही है। लाख क्लेम के लिए ऑडी दोस्त से चोरी करवाई, दिल्ली स्क्रैप कारोबारी को कार दी गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा। मेरठ में गन्ने से लदा ट्रक पलटा, चौकीदारी की मौत, 24 घंटे से लापता था गार्ड, परिजन जता रहे थे गन्ने के नीचे दबने की आशंका। चलती कार में लगी आग, वृंदावन के प्रेम मंदिर के पास कार में लगी आग, कार सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। बदायूं में युवक की हत्या पर कुआं में छिपाई लाश, छोटे भाई के दोस्तों ने की वारदात, 15 दिन से लापता था युवक। नशे का इंजेक्शन नहीं देने पर दोस्त की हत्या, गाजियाबाद पुलिस कस्टडी में, दोस्त बोला मेरे हिस्से का इंजेक्शन भी अकेले लगा लिया। बांदा में सड़क हादसे में पति पत्नी और बच्ची की मौत, बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, एमपी के छतरपुर के रहने वाले थे। मेरठ में महिला पर स्कूटी सवार ने किया टिप्पणी, जमकर मारपीट और पथराव, शादी समारोह से आ रही थी महिला। काजीपुर में शोपीस बनी पानी की टंकी, कई गांवों की जलापूर्ति बाधित, ग्रामीण बोले सीएम को भी ट्वीट करने पर नहीं हुई सुनवाई। बुलंदशहर में कैंटर ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में चाचा भतीजे समेत 3 की मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे घर। पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश 12 घंटे में गिरफ्तार, मेरठ में मेडिकल के लिए जाते वक्त हुए थे फरार। ललितपुर में तीसरी मंजिल से गिरे वैद्य की मौत, छत पर निर्माणाधीन मकान का काम देखने गए थे, पैर फिसलने से हुआ हादसा। मुख्य सचिव ने की अधिकारियों के साथ बैठक, मथुरा में चल रही प्रमुख योजनाओं की जानी प्रगति, पार्षद ने सौंपा ज्ञापन।
उन्नाव में 9 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रग वेयर हाउस, निर्माण कार्य शुरू, लखनऊ से दवाइयां नहीं मंगानी पड़ेंगी। विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी पर डाला पर्दा, लखनऊ में 12 जनवरी को राजभवन उपखंड में 3 घरों में की थी छापेमारी। गोरखपुर के युवक पर किशोरी को भगाने का आरोप, देवरिया में खेत में काम करने गई थी नाबालिग, मुकदमा दर्ज। बस्ती में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, तिलक समारोह से लौट रहे थे कार सवार। भर्तियों के अधियान लटकाए तो होगी सख्त कार्रवाई, मुख्य सचिव लेंगे बैठक, अफसरों के कसेंगे बेंच। उत्तराखंड में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देने पर हंगामा, पुलिस सुरक्षा में किया कांवड़ियों ने चला अभिषेक। महाशिवरात्रि पर तय हुई कपाट खोलने की तिथि, 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। चारधाम यात्रा के लिए पहली बार एडवांस बुकिंग पर कर सकेंगे तीर्थयात्री, 21 फरवरी से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण। बद्रीनाथ हाईवे पर जेपी कॉलोनी से बीआरओ ऑफिस के बीच नई दरारें, मारवाड़ी के पास बना गड्ढा हुआ और चौड़ा। जोशीमठ को लेकर एनडीएमए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, अब राज्य सरकार को भेजेगा रिपोर्ट। दिल्ली से पाताल भुवनेश्वर गुफा दर्शन को जा रहा था इस्कॉन संतों का दल, सड़क पर पलटा वाहन, 16 घायल। उत्तराखंड में पति की मौत के बाद बेटे को संग ले गए ससुराली पीड़ित ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस में दी तहरीर। सैन्य अधिकारी की पत्नी से सिंगिंग ऐप से दोस्ती कर युवक, मुस्लिम युवक बेटी और बेटे को बनाया हवस का शिकार। हरिद्वार में वीडियो बनवाने के चक्कर में गंग नहर में डूबा गाजियाबाद का छात्र, सर्च अभियान चला नहीं मिला सुराग। ग्रामीणों के दबाव के चलते झुका प्रशासन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। पत्नी की मौत के बाद 2.5 साल के बेटे का कराए मंतादड़, युवक ने ससुरालियों पर लगाए कई आरोप। ₹1200 करोड़ के स्कैम में एक और हवाला एजेंट अरेस्ट, हांगकांग व चीन के साथियों के संग मिलकर बनवाई थी फर्जी वेबसाइट। हरिद्वार में हाईवे पर आया था कांवड़ यात्रियों में मचा अफरी तफरी, डीजे के शोर और लाइटिंग से जंगल से सड़क पर आया। उत्तराखंड में बाहरी महिला अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट में झटका, पीसीएस मुख्य परीक्षा में नहीं मिल पाएगा मौका। बलून पर यूएस की चीन को चेतावनी, दोबारा ऐसा ना हो कहा, यह गैर जिम्मेदाराना हरकत चीन ने बताया बेतुका। पेशावर के बाद कराची में हमला, बड़े शहर पहुंचे आतंकी, पाकिस्तान अराजकता की ओर एटमी हथियार, आतंकियों तक पहुंचने का डर।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है अफगानिस्तान, पाक को तबाह करने की कोशिश। इसराइल ने सीरिया में दमिश्क में किया हवाई हमला, नागरिकों समेत 15 की मौत, रिहायशी इमारत को बनाया गया निशाना। नीदरलैंड ने मॉस्को पर लगाए जासूसी का आरोप, रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित, व्यापार मिशन पे बंद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान, बोले आईएमएफ भी हमें नहीं बचा सकता, खुद हल निकालना होगा। बुल्गारिया में ट्रक में मिले 18 अफगान नागरिकों के शव, इनमें से 7 साल का बच्चा भी, तस्करी कर लाते समय भूख प्यास दम घुटने से मौत। तुर्की सीरिया में 46,000 से ज्यादा मौतें, 13 दिन बाद 3 लोगों का रेस्क्यू, खाना के मशहूर फुटबॉलर की लाश मलबे में मिली। उत्तर कोरिया ने फिर दागी ब्लास्टिक मिसाइल, जापान सागर में टेस्ट किया, यूएस के साथ मिलिट्री ड्रिल पर साउथ कोरिया को धमकाया। भूकंप के बीच सीरिया में आतंकी हमले, 7 पुलिसकर्मी सहित 69 की मौत, यूएस फोर्स ने आईएसआई के लीडर हमजा अल होमसी को मार गिराया। ट्विटर की नई पॉलिसी, यूजर्स को अब ट्विटर अकाउंट सिक्योर करने के लिए देने होंगे पैसे, 1 महीने में लगेंगे 910 रुपए। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन से मिलाया हाथ, एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो एयरबस बोइंग को दिया 500 विमानों का ऑर्डर। काउंसलिंग में मीटिंग में अहम फैसले, पेंसिल शॉर्पनर पर अब 18% की जगह 12% टैक्स। तमिलनाडु में ओला करेगी 7,614 करोड़ रुपए का निवेश, इलेक्ट्रिक लाइट मोटर वाहनों का होगा निर्माण। एनएसए के सूचकांकों में अदाड़ी समूह की कंपनियां शामिल, अदाड़ी विल्मर अदाड़ी पावर को मिलेगी जगह। राज्यों को मिलेगा 16,982 करोड़ रुपए का मुआवजा, काउंसलिंग की 49वीं बैठक के बाद कई चीजें सस्ती होंगी। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 38.4% पर पहुंची, चिकन पेट्रोल घी खाद्य तेल सब हुआ महंगा। महाशिवरात्रि के मौके पर बेटे आकाश के साथ सोमनाथ के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, मंदिर को दिया 1.5 करोड़ का दान। HDFC बैंक समेत कई प्राइवेट बैंकों ने बढ़ाया FD पर ब्याज, ग्राहकों को मिल रहा इंटरेस्ट। FCI खुले बाजार में फिर बेचेगा गेहूं, 22 फरवरी को तीसरी नीलामी के लिए लगाई जाएगी बोली। बेन स्टोक्स और बेसबॉल रणनीति ने बदला इंग्लैंड का लक, टेस्ट क्रिकेट में जारी है इंग्लिश टीम की जीत का सिलसिला। न्यूजीलैंड को अपनी ही सरजमी पर मिली करारी शिकस्त, इंग्लैंड ने 267 रन से हराया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर टीम इंडिया के नाम, दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, जडेजा ने मैच में लिए 10 विकेट।
T20 आई के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा को छोड़ा पीछे। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने दिया बड़ा बयान, बोले आतंकी हमले के बाद रद्द होंगे पीएसएल के मुकाबले। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 11 रन से हारा भारत, इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में छठी बार हराए, सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना जरूरी। कोहली के आउट होने पर विवाद, एम्पायर ने एलबीडब्ल्यू दिया, गेंद पहले बल्ले पर लगी या पैड पर टीवी एम्पायर भी नहीं बता पाए। पृथ्वी शॉ से हाथापाई के मामले में 3 गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी, सेल्फी को लेकर बीच सड़क में हुआ था विवाद। विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई का धमाकेदार प्रदर्शन जारी, चौथे मैच में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। गौतम गंभीर ने विराट कोहली को आउट देने के फैसले को सही ठहराया, अंपायर का किया बचाव। बच्चों के साथ नजर आई शिल्पा शेट्टी, बेटी शमिसा के लिए रखी बर्थडे पार्टी, बहन शमिता भी हुई स्पॉट। ट्रिपल तलाक कानून लाने के लिए मोदी जी को सलाम, राखी सावंत बोली आदिल अब 4 शादियां नहीं कर सकता। मशहूर एक्टर नंदमूरी तारक रत्न का 39 साल की उम्र में निधन, दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। शहजादा कार्तिक आर्यन का मुंबई पुलिस ने काटा चालान, लिखा प्रॉब्लम ये कि गाड़ी रॉन्ग साइड पार की थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री को एक और झटका, कॉमेडियन मयूरल सामी का 57 साल की उम्र में निधन। सौ करोड़ में बिका राज कपूर का फेमस बंगला, 1 एकड़ में फैले इस बंगले को गोदरेज समूह ने खरीदा। ट्रेडिशनल लुक में भगवान शिव के मंदिर पहुंची अंकिता लोखंडे, वीडियो देख पढ़ के यूजर्स बोले सिर पर पल्लू तो रख लेती। अक्षय कुमार के मेकअप आर्टिस्ट पर तेंदुए ने किया हमला, बड़े मियां छोटे मियां में काम कर रहे हैं श्रवण विश्वकर्मा। हीरा मंडी का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, संजय लीला भंसाली ने शेयर की पहली झलक, मनीषा कोइराला सोनाक्षी अदिति का दिखा रॉयल लुक। रायपुर के मैदान में रितेश देशमुख ने जड़े चौके छक्के, सीसीएल में चेन्नई राइनोसेस से हारे मुंबई के हीरोज, आज के मैच में रहेगी फ्री एंट्री। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।